Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 3.4 बताई थी, आज हम चलते हैं आपके एक्सरसाइज 3.5 की ओर, जिसमें हम सीखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जिसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी अगर इसमें पता करना है किस पेयर ऑफ इक्वेशन का नो सॉल्यूशन है, किसका यूनिक सॉल्यूशन है, किसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। अब इन केस ऑफ द यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन में उसे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, इट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड इक्वेशन दिया है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको ये पता करने के लिए हमें इसका यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो इनके हम कोफिशिएंट की कंपेयरिंग करते हैं, यानी a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो a1 अपॉन a2 आपका मतलब दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट का रेशियो, तो 1 अपॉन 3 हो गया है। b1 अपॉन b2 y का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो -3 अपॉन -9, तो -9 कट गया, 3 से 3 बन गया 3, 3 3 9, दैट इज इट आल्सो 1 अपॉन 3 हो गया। एंड c1 अपॉन c2 फाइंड करते हैं, तो -3 अपॉन -2 आता है, माइनस माइनस कैंसिल होने के बाद 3 अपॉन 2 आता है। नाउ कंपेयर देम, आप देखते हैं a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1 अपॉन 3 है और b1 अपॉन b2 की वैल्यू भी 1 अपॉन 3 है। इट मींस a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, बट c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल टू देम, देयरफॉर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। आफ्टर दैट, अब ये कंडीशन जो आ रही है, ये कंडीशन किसी कंडीशन है, जब हमारे a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल हो और c1 अपॉन c2 इक्वल ना हो, तो फिर पैरेलल लाइंस होती है या फिर नो सॉल्यूशन होती है। तो लिख दिया पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यानी नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, अब इसे हमें सॉल्व नहीं करना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। अब इन्हें भी हमें कंपेयर करके देखना है कि इसका क्या सॉल्यूशन क्या है। तो a1 अपॉन a2 निकालते हैं तो निकलता है 2/3, b1 अपॉन b2 फाइंड करते हैं तो 1/2 आता है, और c1 अपॉन c2 फाइंड करते हैं तो 5/8 आता है। आप देखते हैं कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है, तो हमारे a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल ना हो तो तीसरे को कंपेयर करने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए हम ये, जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो फिर ये इट मींस पेयर ऑफ इक्वेशन हैज एन यूनिक सॉल्यूशन, एंड इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं तो इसकी कॉन्स्टेंट टर्म है उनको हम LHS की ओर ले लेते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि ऐसा करने से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में सरलता रहती है, हालांकि अगर आप ऐसा भी रखते हैं तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी क्या चेंज होगा वो हम आपको बता देंगे। अभी हमने फिलहाल दोनों कॉन्स्टेंट टर्म को LHS की ओर ट्रांसपोज कर लिया है, तो आपको इक्वेशन बन जाते हैं 2x + y - 5 = 0 एंड 3x + 2y - 8 = 0। अब इधर हमने ट्रांसपोज कर लिया, उसके बाद इसके अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किस तरह सॉल्व करते हैं। इसके दो तरीके हैं, पहला तरीका यह है कि आप x वाला वेरिएबल छुपा लीजिए, पूरा x वाला टर्म छुपा लेंगे तो आपका बचा कितना है, y और ये कांस्टेंट टर्म बचा, y का कोएफिशिएंट 1 है और 2 है और ये हमारा -5 -8 है, तो 1 2 -5 -8 लिख दिया। इसके बाद लास्ट वाला छुपा लेते हैं तो हमारे बचता है 2 3 1 2, तो मैंने 2 3 1 2 लिख दिया। इसके बाद तीन कॉलम बन जाते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। पहले कॉलम पे आप x लिख देते हैं, दूसरे पर y लिख देते हैं, तीसरे पर 1 लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद अब आगे क्या करना है, इनको हम जो ऊपर वाले टर्म से नीचे वाले से मल्टीपल कर देते हैं, जैसे कि आप एरो लगे हुए हैं, एरो लगा देते हैं। एरो लगाने के बाद एक दूसरी बात मैं बता रहा था कि आपको जब ये नंबर हमारे इधर हो तब क्या करते हैं, जैसे अभी ये इक्वेशन था, इसी इक्वेशन को अगर हम ले लेते तो भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर जहाँ 1 प्लस का 1 आ रहा है वहां पर माइनस का 1 लिख रहा होता है, बस कितना चेंज हो जाता है। अगर आप इस तरह यूज करते हैं तो यहाँ माइनस वन यूज करना पड़ेगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, सब ऐसे ही रहता है। तो ये सरलता के लिए, माइनस से बचने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं, इसको इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट टर्म, अब ये लिखने के बाद हम एक्स अपॉन, यानी एक्स है, एक्स के अपॉन क्या लिखते हैं, 1 का -8 से मल्टीपल करेंगे आप, -8 का 1 से -8 हो गया, फिर माइनस, यानी एरो वाले मल्टीपल में से नॉन एरो मल्टीपल को हम माइनस कर देते हैं, तो 8 बन जाए, माइनस का 8 हो गया, माइनस 2 या 10, माइनस का 10 हो गया। फिर आगे y अपॉन 5 3 15, माइनस का 15 हुआ, माइनस फॉर्मूला से आता है
और ये माइनस एट का टू से करेंगे तो माइनस सिक्सटीन हो गया, इसके बाद इक्वल टू 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 या फोर हो गया और थ्री बन जाए थ्री, यानी फोर माइनस थ्री हो गया। आफ्टर दैट वी विल सॉल्व देम, सॉल्व करेंगे तो एक्स अपॉन क्या होगा माइनस एट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस एट प्लस टेन हो गया, माइनस का फिफ्टीन और माइनस वन प्लस सिक्सटीन हो गया इक्वल टू वन, फोर माइनस थ्री गया तो वन बचा। आगे बढ़ते हैं सॉल्व करने के लिए, तो माइनस का एट प्लस टेन है तो एक्स अपॉन टू हो गया, और ये वाई इक्वल टू वाई अपॉन सिक्सटीन माइनस फाइव है, सिक्सटीन माइनस फिफ्टीन है, फिफ्टीन में तो वन बचा यहाँ पर, आगे वन अपॉन वन, यानी वैसे ही हमारा रहा। आगे चलते हैं, अब हम क्या करते हैं टेकिंग एक बार एक्स अपॉन टू को इस कॉन्स्टेंट टर्म के ऊपर ले लेते हैं, दूसरी बार वाई 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 वाला टर्म इसके ऊपर ले लेते हैं। तो पहले एक्स वाला टर्म लिया है एक्स अपॉन टू इक्वल टू वन अपॉन वन, वाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दी गेट एक्स इक्वल टू टू, वन का एक्स से करेंगे वन आएगा और एक्स आएगा और टू का वन से करेंगे टू, यानी एक्स इक्वल टू हमारा कितना हो गया टू हो गया। ऐसे ही दूसरा लेते हैं वाई अपॉन वन इक्वल टू वन अपॉन वन एंड वी गेट दैट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देन वी गेट वाई वन या वाई और वन का वन से वन, दैट इज एक्स इक्वल टू टू एंड वाई इक्वल टू वन, द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। एंड दिस इज द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड टू सॉल्व ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आफ्टर दैट थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इन विच यू हैव गिवन 3x माइनस 5 बाई इक्वल टू 20 एंड 6x माइनस 10 बाई इक्वल टू 40, इनमें भी हम उसी तरह से कंपेयर करेंगे तो सभी रेशियो 1 अपॉन 2 आएंगे, और यानी a 1 अपॉन a 2 भी 1 अपॉन 2 आएगा, b 1 अपॉन b 2 भी 1 अपॉन 2 आएगा, और c 1 अपॉन c 2 भी 1 अपॉन 2 आएगा, इट मींस ऑल रेशियोज आर इक्वल। और ये कंडीशन कब होती है, देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इसके बाद फोर्थ पार्ट है जिसमें आपको दिया हुआ है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0, इसमें भी आप कंपेयर करेंगे तो सेम सेकंड नंबर वाले की तरह से होगा, इसमें भी आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करना और यूनिक सॉल्यूशन आएगा इसमें कंडीशन जो आएगी। इसलिए इसके बाद हम चलते हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन आप कर लेंगे, आप इजीली हैं आसानी से आप निकल सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड है जिसमें फर्स्ट पार्ट में कहा गया है फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी ए और बी की किस वैल्यू के लिए जो पेयर ऑफ इक्वेशन दिया है उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ये आपका दिया हुआ क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपका पेयर आपने लिखा सिंस पेयर ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, इसमें इनके करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट लगा वैल्यू लगा देते हैं, तो ए वन की वैल्यू क्या होगी टू, तो टू अपॉन ए टू की वैल्यू ए माइनस बी यानी टू अपॉन ए माइनस बी हो गया, ऐसे बी वन थ्री और बी टू ए प्लस बी तो थ्री अपॉन ए प्लस बी, सी वन आपका सेवन और सी टू आपका ये थ्री ए प्लस बी माइनस टू, तो सेवन अपॉन थ्री ए प्लस बी माइनस टू। अब इन्हें हमें सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फर्स्ट वी हैव टेकन टू अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू थ्री अपॉन ए प्लस बी, फर्स्ट पार्ट फर्स्ट फिगर ले लिया टू अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू थ्री अपॉन ए प्लस बी, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बी गेट टू ए प्लस टू बी इक्वल टू थ्री ए माइनस थ्री बी। अब इसमें क्या करेंगे, हमने ए को उधर ले आया और बी को उधर भेज दिया, तो टू ए माइनस थ्री ए इधर माइनस थ्री बी और माइनस का टू बी, तो माइनस ए इक्वल टू माइनस फाइव हो गया, तो माइनस माइनस कट गया दैट इज ए इक्वल टू फाइव बी आ गया। आफ्टर दैट वी टेक द फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म ले लेते हैं, तो टू अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सेवन अपॉन थ्री ए प्लस बी माइनस टू ये आ जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में क्या होगा टू से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप टू थ्री या सिक्स से टू बी माइनस फोर, सेवन से करेंगे सेवन ए माइनस सेवन बी, और सेम उसी तरीके से ए और बी को हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, सिक्स ए प्लस टू बी माइनस फोर इधर आगे माइनस का सेवन ए इधर आगे प्लस का सेवन बी इक्वल टू रह गया अगर जीरो। आफ्टर दैट बाई सॉल्विंग इट सिक्स ए प्लस का और माइनस का सेवन ए तो माइनस ए बचा, टू बी प्लस का टू सेवन बी प्लस का दैट इज प्लस के नाइन बी इक्वल टू फोर हो गया। अब इसमें ए इक्वल टू हम फाइव बी इसमें से निकाल चुके हैं पहले, तो जहां ये है वहां पर फाइव बी पुट कर दे, पुट ए इक्वल टू फाइव बी, ए इक्वल टू फाइव बी इसमें रख देंगे, तो एक जगह फाइव बी रहेगा माइनस फाइव बी प्लस नाइन बी इक्वल टू फोर, तो यहाँ बचा आपका माइनस प्लस का फोर बी माइनस प्लस के नाइन बी में से फाइव बी माइनस हो जाएंगे प्लस का फोर बी बचेगा, फोर बी इक्वल टू फोर दैट इज बी इक्वल टू फोर अपॉन फोर, सो बी इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा वन हो जाएगा। बट ऑल्सो वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ द ए सिंस ए इक्वल टू फाइव बी इक्वल टू फाइव बी जैसा हम पहले निकाल चुके हैं, तो बी की जगह कितनी वैल्यू रख देंगे वन, फाइव इंटू वन इक्वल टू यानी ए इक्वल टू कितना हो गया फाइव, दैट इज ए इक्वल टू फाइव एंड बी इक्वल टू वन।
इसी तरीके से इसका सेकेंड पार्ट है, उसे आप कर सकते हैं। उसमें आपको कह रहे हैं फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, एंड नो सॉल्यूशन कंडीशन लगेगी तो आपके फर्स्ट ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू आएगा, उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू ले लेंगे रख देंगे। उसके बाद फर्स्ट वाले टर्म पेयर हम जैसे इधर हमने फर्स्ट लिया था आपको ये वाला, इसी तरीके से फर्स्ट लेकर के सॉल्व करेंगे और के की वैल्यू निकल आएगी। DAX Tutorials presents online live classes, mobile number 82 79 45 25 37. After that, your third question, in which saying that solve the following pair of the linear equation by the substitution and cross multiplication method. यानी substitution method से भी करना है और cross multiplication method से भी करना है। तो substitution method हम पिछली exercise में हम सीख चुके हैं, अब आगे हम ये अभी जो इस समय एक्सरसाइज चल रही है उसमें हम वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखेंगे, इसलिए हम इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर देते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड आप पहले से सीख चुके हैं। इसे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। तो क्योंकि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है जैसा हमने बताया था सरलता के लिए, इसके कॉन्स्टेंट टर्म है उसे हम LHS में ट्रांसफर कर लेते हैं। 8x + 5y - 9 = 0, 3x + 2y - 4 = 0। इसके बाद y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम क्या लिखते हैं, पहले हमने बताया था आपको फर्स्ट इसमें पेयर छुपा लेते हैं तो हमारा कितना बचेगा 5 2 - 9 - 4, तो 5 2 - 9 - 4 लिख दिए। इसके बाद लास्ट बार छुपाएंगे तो बचेगा 8 3 5 2, तो हमने 8 3 और 5 2 लिख दिए। इसके बाद फर्स्ट वाले ग्रुप पर x लिख देते हैं, दूसरे ग्रुप पर y लिख देते हैं और तीसरे ग्रुप पर हमारा 1 लिख देते हैं। इसके बाद देखते हैं ये इस तरह एरो लगा देते हैं, एरो लगाने के बाद हम जो आगे लिखते हैं x अपॉन, यानी पहला ग्रुप हमारा x का है तो x अपॉन क्या आएगा, ये एरो वाले मल्टीपल में से नॉन एरो वाला मल्टीपल माइनस कर देते हैं, तो x अपॉन 5 का माइनस 4 से करेंगे तो माइनस 20 हो गया और माइनस यहाँ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आता है और 2 9 18 माइनस का ही हो गया, यानी माइनस 20 में से माइनस 18 को माइनस कर दिया गया। इसके बाद 9 3 27 माइनस का, माइनस 4 2 8 का 32, तो माइनस के 32 हो गए, यानी माइनस 27 माइनस माइनस 32 इक्वल टू 1 अपॉन 8 2 16 हो गया और 3 5 15, यानी 16 माइनस 15 हो गया। आफ्टर दैट बाय सॉल्विंग इट x अपॉन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का 20 प्लस का 18 हो गया, माइनस 27 प्लस 32 हो गया और 16 में से 15 गया तो हमारा कितना बचा 1 बचा। आगे x अपॉन माइनस 20 प्लस 18 और ये y अपॉन माइनस 27 प्लस 32 और 1 अपॉन 1 हो गया। अब हम क्या करते हैं x अपॉन इस पर ये वाले आगे सॉल्व करेंगे तो x अपॉन माइनस के 20 प्लस का 18 है तो माइनस का 2 बचा और y माइनस के 27 प्लस का 32 तो y अपॉन 5 हो गया और 1 अपॉन 1 हमारा ऐसे ही रहा। आफ्टर दैट हम ये फर्स्ट पार्ट इसके ऊपर लेंगे फिर सेकंड पार्ट इसके ऊपर लेंगे, तो टेकिंग x अपॉन माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया माइनस 2। इसके बाद y अपॉन 5 को इसके ऊपर लेते हैं, y अपॉन 5 1 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे y इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। आज के लिए वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। जिन छात्रों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। एंड लास्ट आई वांट टू सी दैट पढ़ो घर से कहो दिल से, दक्ष ट्यूटोरियल्स स्टेप टुवर्ड द सक्सेस विद ट्रस्ट। हैव अ गुड डे।